हेलो फ्रेंड्स, मैं यतीन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे, डोमेन। देखिए, डोमेन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टूल्स की जरूरत होगी, तो उनके बारे में बात करते हैं। पहले डोमेन निकालने से पहले आपको इंटरवेल आना चाहिए। इंटरवेल किस तरह का होता है, किस तरह से यूज करते हैं इंटरवेल को, और एक नंबर लाइन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, नंबर लाइन तो जानते ही होंगे, क्लास 6 में पढ़ा दिया जाता है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होता है, ये एक लाइन नंबर लाइन जिसके मिडिल में क्या होता है, जीरो होता है। राइट साइड चलेंगे तो 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटिव तक, और लेफ्ट साइड चलेंगे तो -1, -2, -3 से लेके -infinity तक। ये नंबर लाइन होती है। तो नंबर लाइन के बारे में तो आप लोगों ने ज्यादातर पढ़ रखा होगा पहले। अब बताता हूं थोड़ा सा इंटरवेल्स के बारे में। देखिए, इंटरवेल क्या होते हैं, इंटरवेल कई तरह के होते हैं, चार तरह के। पहला होता है क्लोज्ड इंटरवेल, क्लोज्ड इंटरवेल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवेल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, इस वाले ब्रैकेट से। इसके अंदर कोई वैल्यू रखी हुई है ए बी, तो क्लोज इंटरवेल का मतलब होता है कि ये जो दो वैल्यू हैं इसके अंदर, ये दोनों भी इंक्लूड हैं। तो मान लीजिए इन्हें x से डिनोट किया जाए, तो x की वैल्यू लाई करती है a से लेके b तक, तो लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू का भी साइन आएगा इसमें, ठीक है। तो ये तो होता है क्लोज इंटरवेल। नंबर लाइन पे अगर हम इसको डिनोट करें, नंबर लाइन पे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, क्लोज्ड इंटरवेल है, यानी ए और बी भी इंक्लूड है, तो ए और बी को हम डार्क सर्कल से डिनोट करेंगे। यानी ए और बी भी इंक्लूड है और उनके बीच की सभी वैल्यू इंक्लूड है, तो इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवेल। दूसरा आता है ओपन इंटरवेल, ओपन इंटरवेल क्या होता है, ओपन इंटरवेल को इस वाले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, या इसको उल्टा बना दें, ये इस तरह से, इससे ये होता है ओपन इंटरवेल। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यूज दे रखी हैं ए और बी, ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, इंक्लूड नहीं होंगी तो इसे किस तरह से डिनोट करेंगे, इक्वल टू वाला साइन नहीं आएगा यहां पर, तो ए से बी तक, यानी ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी के बीच की सभी वैल्यू इंक्लूड है। तो जब हम ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे, तो उसे किस तरह से, मान लीजिए ए यहां पर है, बी यहां पर है, तो इसको हम ब्लैंक सर्कल से डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी शामिल नहीं है, ए और बी के बीच की सभी वैल्यू इसमें शामिल है, ठीक है। ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी के बीच की सभी वैल्यू इंक्लूड है, तो ये क्लोज इंटरवेल और ये हुआ ओपन इंटरवेल। इसके बाद आता है तीसरा, आता है क्लोज्ड ओपन यानी मेज्ड इंटरवेल। पहले क्लोज्ड आ रहा है तो इस साइड क्लोज्ड और इस साइड ओपन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो इंक्लूड है
लेकिन बी इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब ये इस साइड दोनों साइन आएंगे और इस साइड इक्वल टू वाला साइन नहीं आएगा। जब हम इसे नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे ए बी, तो ए इंक्लूड है तो इसका मतलब इस पे डार्क सर्किल बनेगा और इस पे बनेगा ब्लैंक सर्किल। तो इस तरह से इसको नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे। फोर्थ आता है ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज इंटरवल, पहले ओपन आ रहा है तो इधर ओपन और ये इधर क्लोज। इसमें दो पॉइंट लिखते हैं ए बी, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि ए इंक्लूड नहीं है तो ए की तरफ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, बी इंक्लूड है तो इसकी तरफ दोनों साइन आएंगे। नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे तो ए बी, ए इंक्लूड नहीं था तो ब्लैंक सर्किल, बी इंक्लूड है तो इस पे डार्क सर्किल। ये तो होते हैं इंटरवल, चार तरह के इंटरवल होते हैं जिनका है इसमें काफी यूज होगा। इंटरवल के अलावा कुछ इनइक्वालिटी यूज होंगी, वो देखिए किस तरह से। फर्स्ट पॉइंट, इफ ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है और इनइक्वालिटी हमें इस तरह से दे रखी है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है। तो इसका मतलब होगा कि एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो ये कौन सी क्लोज इंटरवल वाली कंडीशन बन गई, तो एक्स ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसी तरह से दूसरा, यहां एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर यहां इक्वल टू का साइन ना लगा होता यानी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन जीरो तो कैसा इंटरवल होता, सिर्फ ओपन इंटरवल एक्स लाइज बिटवीन ए बी। तो ये क्या हो जाता, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। एक चीज और बता दूं, कहीं भी माइनस इंफिनिटिव हो या प्लस इंफिनिटिव आ रहा है तो माइनस इंफिनिटिव और प्लस इंफिनिटिव पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, ये ध्यान रखें। दूसरी कंडीशन, अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब होता है x लाइज बिटवीन वो x लेस देन इक्वल टू a और x ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो हम इसे किस तरह से डिनोट करेंगे, यानी x की वैल्यू a के इक्वल है या उससे छोटी है, तो छोटी कहां तक जा सकती है, माइनस इन्फिनेटिव तक। तो इसका मतलब तो हो गया माइनस इन्फिनेटिव से लेके a तक a इंक्लूड था तो इस पर क्लोज्ड इंटरवल, यहां बताया इन्फिनेटिव या माइनस इन्फिनेटिव का ऊपर लगता है तो ये हो गया। और के लिए यूज करते हैं यूनियन, अब इसके लिए करेंगे तो ग्रेटर देन बी इक्वल टू बी, तो बी या बी से बड़ा क्लोज इंटरवल, बी से लेके कहां तक जाएगा इन्फिनेटिव तक, इन्फिनेटिव पर ओपन इंटरवल। तो इस तरह की कंडीशन लगेगी इसके लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इनका यूज होगा डोमेन निकालने। अदर की डोमेन, डोमेन होता क्या है, कोई फंक्शन दे रखा है हमें y इक्वल टू एफ एक्स,
एक्स की उन सभी वैल्यूज का सेट जिन पर फंक्शन डिफाइन होगा वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ये कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो इसमें एक्स की उन सभी वैल्यूज का सेट जिन पर फंक्शन डिफाइन होगा वो क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, तो अ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स डिफाइन तो ये डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स डिफाइन, यानी एक्स की उन सभी वैल्यूज का सेट जिन पर फंक्शन डिफाइन होगा उसे डोमेन कहते हैं। इसके लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी डोमेन के लिए। मान लीजिए एफ एक्स अंडर रूट में दे रखा है तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि एफ एक्स हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव हो या जीरो हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए अगर अंडर रूट के अंदर किसी फंक्शन का डोमेन पूछ रहा है। दूसरा, वन अपॉन अंडर रूट एफ एक्स, अगर अपॉन में दे रखा है तो डिनोमिनेटर को नीचे वाले को जीरो नहीं ले सकते और ये अंडर रूट में है तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। जीरो ले लेंगे तो वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए अपॉन वाले केस में, फ्रैक्शन वाले केस में नीचे वाले को यानी डिनोमिनेटर को हम जीरो नहीं ले सकते। तीसरा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसके लिए वही जी एक्स यानी नीचे वाला जो है वो जीरो ना हो, वो सभी वैल्यूज हमें लेनी है। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे डोमेन निकालते समय। देखिए अब आते हैं लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस विद डोमेन डी वन एंड डी टू रेस्पेक्टिवली, यानी एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है जिनके डोमेन क्या है, डी वन और डी टू रेस्पेक्टिवली, यानी एफ एक्स का डी वन है और जी एक्स का डी टू है। ठीक है, तो एफ एक्स का डोमेन क्या है, डी वन और जी एक्स का डोमेन क्या है, डी टू। देन डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यहां पर वेयर नीचे वाला नॉट इक्वल टू जीरो। तो इन सभी केस में यानी इस पूरे का डोमेन या इस पूरे का डोमेन या इस पूरे का डोमेन, जबकि हमें इनके अलग अलग इंडिविजुअल डोमेन मालूम है और इसको कंबाइंड फॉर्म में निकालना है तो डोमेन क्या हो जाता है, डी वन इंटरसेक्शन डी टू, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल लें और फिर उनका इंटरसेक्शन कर। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है हमें डोमेन निकालते समय। अब हम क्वेश्चंस करते हैं।
देखिए जैसे क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका डोमेन निकालना है। तो अभी मैंने बताया अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो उसको हम क्या लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर क्या आएंगे एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री फैक्टर आ जाएंगे इसके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये वही वाली केस बन गई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अभी बताया था। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में जब ए बी से छोटा है, यहां माइनस ही होगा यह ध्यान रखना। तो क्या था एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ए क्या है टू, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो ये माइनस इन्फिनेटिव से लेके कहां तक टू तक, इस पे क्लोज्ड इस पे ओपन, और के लिए यूनियन थ्री से लेके इन्फिनेटिव। तो ये इसका आंसर हो जाए। ठीक है दूसरा बताते हैं, देखिए यही ये अगर प्लस होता, यही बता देता हूं, अगर ये होता एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स तो वही एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर क्या मिलते हैं हमें एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू, लेकिन फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ था एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में था, यहां प्लस आ रहा है तो हम इसे ये कर लेंगे एक्स माइनस माइनस थ्री और एक्स माइनस माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो माइनस थ्री छोटा है माइनस टू से, तो एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। तो ये बन जाता माइनस इन्फिनेटिव से माइनस थ्री तक यूनियन माइनस टू से इन्फिनेटिव तक। ठीक है तो इसका ये आंसर हो जाता। तो एक तो ये हुआ, अब देखिए बताते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, ये है इसका निकालना है हमें। तो पहले ऐसे ले लो, तो इसके लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्या मिलेगा एक्स लेस देन इक्वल टू वन और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो ये हो जाएगा कितना माइनस इन्फिनेटिव से प्लस वन तक यूनियन टू से इन्फिनेट, इसका इंडिविजुअली निकाल लें एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लेंगे इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे। ठीक है तो ये इसके फैक्टर क्या आएंगे एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, तो ये आ जाएगा x लेस देन थ्री और x ग्रेटर देन फोर। तो इसके लिए क्या बनेगा माइनस इन्फिनेटिव से थ्री ओपन इंटरवल और यूनियन फोर से इन्फिनेटिव तक। ये बताया था अगर प्लस का केस हो तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो
पहले इस वाले को ड्रॉ कर लेते हैं हम माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक। वन कहां पर होगा? वन मान लो यहां पर है, वन। और टू कहां पर होगा? मान लो टू यहां पर है, टू। क्लोज्ड इंटरवेल में वन और टू दोनों, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की सभी वैल्यू इंक्लूड है और यहां से यहां तक की सभी वैल्यू इंक्लूड है इसके अकॉर्डिंग। दूसरे वाले को ड्रॉ करो, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। थ्री कहां पर आएगा? थ्री यहां और फोर यहां, लेकिन थ्री और फोर दोनों ही ओपन इंटरवेल में है, तो इधर की सभी वैल्यू इंक्लूड और इधर की सभी वैल्यू इंक्लूड, ये थ्री और ये फोर। अब इंटरसेक्शन देखिए, तो इधर इधर की सारी वैल्यू इसमें भी है और इसमें भी है, तो माइनस इन्फिनेटिव से वन, और वन किसमें था? क्लोज्ड में। ये यूनियन, अब देखो दोनों में कॉमन कौन सी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू कॉमन है यहां से यहां तक, तो एक यूनियन ये आ गया, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन टू क्लोज्ड में है, थ्री ओपन में है, ये ओपन में है। फिर फोर से आगे तक की सभी वैल्यू, लेकिन फोर ओपन में है, तो फोर ओपन से लेके इन्फिनेटिव तक, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये था डोमेन से रिलेटेड टॉपिक। अभी इसमें नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस कराएंगे आपको, तब तक इनकी प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं सही तरह से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर करें, और मेरे चैनल टॉइलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।